अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जकी पेट्स। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। ये मेरे पास रैबिट्स हैं, ये टोटल 6 हैं, 6 हैं, तो ये 3 पेयर हैं। इसमें आपको एक ब्लैक भी नज़र आ रहा होगा, ये बैठा हुआ जिसके हेड पर हल्का हल्का वाइट है। तो ये मैंने ले कर आया हूँ, अभी मुझे 3 से 4 दिन ही हुए लेकर आए हुए। तो अब आगे आपको इनकी सारी डिटेल्स वगैरह दूंगा, कैसे हैं इनकी, कैसे फीडिंग वगैरह होती है, क्या इनको देना चाहिए। अभी देखें ज़रा, बारिशों की वजह से थोड़ा सा गंद है। एक ये बैठा हुआ है, कितना क्लोज बैठा हुआ है। एक इनमें से टेम भी है, ये वाला है मेरे ख्याल से, जो ये सामने जो बैठा हुआ है ये वाला टेम भी है बिल्कुल। तो जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा तो इसे मेरे पास आ जाना है। बाकी वो है पीछे, इनमें से एक एडल्ट पेयर भी है, ये वाला जो एक ये सामने जो आया पहले नंबर पे, ये एक उससे पीछे बैठा हुआ है, ये ब्लैक के पीछे जो है वो नज़र आपको आएगा, जिसका मुंह दूसरी तरफ है वो वाला। इसने एक मतलब ब्रीड वगैरह भी की थी, ये उसके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ। ये पीछे जो ब्लैक के जो पीछे हैं दो है ना, वो दोनों इसी के हैं, चेक करें ज़रा। कैट्स की भी आवाज़ें आ रही होंगी, मैं आपको उनका भी सारा सारा सेटअप दिखाऊंगा। ये देखें किस तरह खा रहे हैं। अच्छा, इनके अंदर ये होता है कि ये हर वक्त खाते रहते हैं, इनको जितना देंगे उतना खाते रहेंगे। ये देखें सामने बैठे हैं सारे, ये वाला देखें कितना क्लोज है। ये ब्लैक वाला देखें कितना क्यूट सा है ना, अब मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ जो कैट्स वगैरह हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वो शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी आप ये रैबिट्स वगैरह देखें कितने क्यूट से, अभी ये सारे गंदे इसलिए हुए क्योंकि सारी अंदर मिट्टी और ऊपर से बारिश हो गई है जिसके सारे गंदे हो गए। अभी ये खुद ही साफ़ करेंगे, जैसे वो पिछला ये खा रहा है ना ऐसे ही सारे साफ़ करेंगे। वो पीछे एंड वाला रोटी खा रहा है, अभी उसको रोटी वगैरह डाली थी मैंने सूखी, जितनी भी बच्चा वगैरह होता है सामान घर का आप डालें, कोई खाते खाएँगे मज़े से। देखें कितने क्यूट से हैं, मैं आपको ब्लैक दूसरी तरफ से दिखाता हूँ शायद भाग ना जाए, ये बैठा हुआ है। अभी इसके अंदर मैंने वो लगाने बॉक्सेस वगैरह वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लगाने होते हैं, कितने साइज़ के। तो अगर किसी को नॉलेज है इनके बारे में वो मुझे ज़रा थोड़ी दे दे, क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने रैबिट्स वगैरह रखे हैं। बाकी जितना मुझे नॉलेज थी इसकी मैंने आपको बता दी बस, क्योंकि ब्रीडिंग वगैरह मैंने खुद कभी करवाई नहीं रैबिट्स की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने रैबिट्स की ब्रीडिंग वगैरह करवानी है। ज़रा है किसी को नॉलेज वगैरह तो वो मुझे बता दे कि इनका किस तरह होता है। बस इतना मुझे पता है कि ये कोई तकरीबन कोई महीने डेढ़ महीने बाद ये बच्चे डिलीवर कर देते हैं। ये देखें ज़रा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।